आपको बता दें, किसान आंदोलन से लेकर बहादुरगढ़ से बड़ी खबर। आपको बता दें, कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से लगातार जो विरोध किया जा, 11 महीने पूरे हो चुके। हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी बैठक आज की जाएगी और ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसानों के साथ बैठक करेगा कमेटी, किसानों से वार्तालाप किया जाएगा। बहादुरगढ़ के गौरिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में यह बैठक होगी। टीकरी बॉर्डर के बंद रास्तों को खुलवाने की भी यहां पर कोशिश की जाएगी। जो रास्ते बंद हैं, पिछले 11 महीने से दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा हुआ है और वही व्यापारियों और आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है रास्ते बंद होने की वजह से। किसानों के साथ आज कमेटी बैठक करेगा और साथ ही साथ मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी कि वह जो रास्ते बंद कर रखे उन रास्तों को खोला जाए। तो किसान आंदोलन पर बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज कमेटी किसानों से बात करेगी। तो देखिए, किसानों के साथ बैठक की जाएगी, किसानों से वार्तालाप किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार जो रास्ते बंद कर रखे हैं, बहादुरगढ़ के गौरिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में बैठक होगी और जो रास्ते बंद हैं उन मार्गों को खोला जाए। टीकरी बॉर्डर के बंद रास्तों को भी खुलवाने की यहां पर बात कही गई है, कोशिश की जाएगी। 11 महीने से ये जो बॉर्डर है सब बंद पड़े हुए हैं। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे भी 11 महीने से बंद पड़ा हुआ है, जिस वजह से लोगों को और व्यापारियों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं झज्जर से मेरे सहयोगी जगदीश। जगदीश, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है कमेटी बैठक करने वाले किसानों के साथ? इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे उठेंगे, क्या कुछ बातें हो सकती हैं? देख, जो बॉर्डर पे रास्ते बंद किए गए हैं, मेन यही रहेगा कि रास्ते खुलवाने के लिए क्या इंतजाम किए जाए और कैसे रास्तों को खोला जाए। बैठक किसी भी समय बहादुरगढ़ के गौरिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में शुरू हो सकती है। एसपी राजीव अरोड़ा, डीजीपी हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल, झज्जर के डीसी श्यामलाल पूनिया किसानों से बातचीत करेंगे। पिछले करीब एक साल हो गया, 11 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, रास्ते बंद पड़ गए हैं। इन रास्तों को खोलने के लिए ये बैठक की जाएगी। लेकिन जगदीप, देखिए, जिस तरीके से भी सरकार ने भी कई दौर की वार्ता इन लोगों से की थी, किसानों से बातचीत भी हुई थी, लेकिन तब तो कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि किसानों ने कहा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम रास्तों को नहीं खोलेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या कमेटी से बातचीत करने पर ये किसान मान सकते हैं? क्या उस टिकरी बॉर्डर को खोला जाएगा जो हाईवे बंद है? क्या उन हाईवे को खोला जा सकता है जगदीप? जी बिल्कुल, देखिए, किसानों का कहना है कि रास्ते हमने बंद नहीं किए हैं, रास्ते दिल्ली सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किए हैं, रास्ते खोलने का काम सरकार करेगी। किसानों का कहना है कि हम रास्ते में तो नहीं बनेंगे, हमारा धरना जारी रहेगा, लेकिन वो रोड से हटके हो जाएगा, रोड के एक तरफ रह जाएगा, एक रोड चालू हो जाएगा, बॉर्डर खुल जाएंगे। किसानों का दो तो कहना है कि बॉर्डर खुले हुए हैं, टीकरी से आगे जो टीकरी बॉर्डर जो पड़ता है वो दिल्ली की साइड से बॉर्डर बंद किया हुआ है, दिल्ली सरकार ने बंद किया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया है, वो खुलने के बाद रास्ते खुल जाएंगे। किसानों का कहना है कि इसमें हम कोई अड़चन नहीं डालेंगे। जी चलिए जगदीप राजन, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।